हाय एवरीवन, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे यूनिक टेस्टी स्नैक्स कैबेज चिकन रोल्स को। ये बनाने में ही नहीं, ये रोल्स खाने में टेस्ट ही नहीं, बनाने में भी आसान है। इस रोल्स को बनाने के लिए हमने कैबेज को लिया है, और कैबेज को इसको इस तरह से कट कर लेना चाहिए, तभी ये इसके हर एक पत्ता निकल के आसानी से आ जाता है। और पूरे कैबेज को बनाने के है तो इसको ऐसे ही पूरी कैबेज को गर्म पानी में रख के उबाल सकते हैं। आप जितने क्वांटिटी चाहते हैं कुछ कैबेज के रोल्स बनाना, उतने क्वांटिटी कैबेज के पत्तों को इस तरह से आसानी से काट लीजिए। काट ले के इनको कैबेज को उबाल लेना है। कैबेज उबालने के लिए जितना पानी चाहिए उतने पानी बोल में डाल लेके इसके टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेके उबालने रख लीजिएगा हाई फ्लेम में। उबालने के बाद इस कैबेज के पत्तों को उबले हुए पानी में रख दीजिएगा। उबले हुए पानी में कैबेज पत्तियों को डाल के थोड़ा सा इसको चमचे से प्रेस कर दीजिएगा। ये पानी में सेट हो जाएंगे। इसके बाद इसको लीड रख के 3-2 मिनट तक पका लीजिएगा। ज़्यादा मत पकाइएगा, ज़्यादा पकाने से टूट जाते हैं। जब 3-2 मिनट पकने के बाद इनको साइड पे काट लेके ठंडे को रख लेना है। ज़्यादा पकाने से टूट जाते हैं, बस 3-2 मिनट पका लेके इसे ठंडे पर रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने 300 ग्राम्स चिकन को खीमा बना लिया है। हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमने पैन लिया है, और पैन में 1 करी चम्मच तेल डाल लिया है। तेल हीट होने के बाद इसके अंदर 1 बड़ी साइज प्याज और 1 गाजर को चॉप करके डाल लेंगे। और इस गाजर को और प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। आपके पास गाजर नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेके अच्छी तरह भून लेते हैं गाजर और प्याज को। भून लेने के बाद इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं। इसमें 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तक मसाला डाल लेते हैं, और कीमा को डाल लेंगे। हमें कीमा को फाइन पेस्ट बना लिया है, दरदरा भी बना सकते हैं। और कीमा को डालने के बाद अच्छी तरह इन मसालों में मिक्स कर लेते हैं। कीमा को मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर थोड़े जार में ही हम 1 गिलास तक पानी डाल लेते हैं, ताकि कीमा गलने के लिए। और पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद कीमा में इसके अंदर 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर को भी डाल लेते हैं। और इन सारों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हम मिडिल फ्लेम में पका रहे हैं। और इसके अंदर 1 टमाटर को हम पेस्ट बना के डाल लेते हैं। मिडिल साइज टमाटर को हमने पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेके पानी सूखने तक और खीमा पकने तक लीड रख के पका लेते हैं। बीच बीच में चेक कर लेते हुए खीमा को इस तरह से बीच बीच में नीचे लगे बिना कीमा को सूखा होने तक पका लेना है। और लास्ट स्टेज में इसको इस तरह से दबा लेके कीमा के अंदर का पानी पूरा सूखा लेना है। कीमा को सूखा होने तक पका लेने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडे पर रख देंगे। और ठंडे पर रख के हम ये ठंडे पर रखे हुए उबले हुए कैबेज के पत्तों को इस तरह से काट लेना चाहिए। हम दिखाए तरह से ये थोड़े से दल रहते हैं और मोल्ड करते हुए खा तो तकलीफ़ होगी, इसलिए इसको कट करके हम साइड पर रख लेते हैं। अब कीमा भी अच्छी तरह ठंडा हो गया है। पूरी तरह ठंडने के बाद स्टफिंग करना है कैबेज के पत्तों को लेके। इसके लिए हम दिखाते हैं कैबेज के पत्तों में कीमा जितना आप रिक्वायर करते हैं उतने रख लेके हम दिखाए तरीके से मोल्ड कर दीजिएगा। ये आसानी से मोल्ड हो जाते हैं और चिपक भी जाते हैं। कोई भी बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से ये चिपक जाते हैं। हम जैसा मोल्ड करेंगे वैसा बन जाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक बना लिया है और एक बना के दिखाते हैं। अब जितना खीमा पसंद करते हैं उतना डाल लेके इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा दबा लेके मोल्ड कर लीजिएगा।
ये आसानी से मोल्ड हो जाते हैं। अब मोल्ड होने तो थोड़ा सा इसको पानी का थर लगा लीजिएगा, ये आराम से मोल्ड हो जाएंगे। इस तरह से हम सारे रोल्स को बना लेते हैं। सारे रोल्स को ऐसा बना लेने के बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पत्ते भी उखड़ते नहीं है, कितना मोल्ड करे तो ऐसे च रहते हैं। फ्राई बनाने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा बस तेल डाल लिया है। तेल हीट होने के बाद इस रोल्स को रख लेते हैं। रोल्स को रख लेके लो फ्लेम में रख के बार बार इसको फलटा लेते हैं हर साइड, ये पकने तक पका लेना चाहिए। इसको फलटाते हुए लीड रखते हुए लो फ्लेम में ही इनको पका लीजिएगा, नहीं तो जलेंगे ये। बार बार इसको फलटा लेते हुए चारों तरफ भी इनको थोड़े देर लीड रखते हुए फलटा लेते हुए फ्राई कर लीजिएगा। और इस तरह से फ्राई होने के बाद परफेक्ट कैबेज रोल्स रेडी हो जाएंगे। अब हम इनको फ्लेम ऑफ कर देके डिश आउट कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट कैबेज रोल्स रेडी हो गए हैं। इसे केचप के साथ, मंडी की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट रहते हैं। ऐसे ही रेसिपी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।